सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम गोलाइक में। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हो, और प्लेलिस्ट होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों प्लेलिस्ट होता क्या है, अगर आपने किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल में, तो आप अपने उस टॉपिक से एक प्लेलिस्ट बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल में, और उसमें जो भी आपने उस टॉपिक से वीडियो बनाई है तो आप उसमें उसको रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी सब्सक्राइबर आपका आपके चैनल पर आता है तो आपके प्लेलिस्ट को चेक करता है, तो वहाँ पे आपको जिस भी टॉपिक से आपने ज़्यादा वीडियो बनाई है वो आपने उस प्लेलिस्ट में रखोगे, तो उस प्लेलिस्ट को जैसे ओपन करोगे करेगा तो उसमें वो सारी वीडियो उसको दिख जाएंगी। जैसे कि अगर आपने किया है यूट्यूब हेल्प रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाया है तो वहाँ पे आपको सब अपनी वीडियो अपनी वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना सकते हो उसमें, और मैं आपको भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा आप कैसे बना सकते हो उसको। और ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, इसके बाद आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, एंड इसके बाद आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब, एंड यहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा स्क्रीन, एंड यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइड पर, एंड यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे आप डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करोगे तो आपका ये विंडो कंप्यूटर साइड में खुल जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अपने लोगो पे क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा अभी लोगो आ रहा है, लोडिंग हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने लोगो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने लोगो पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा माई चैनल का, तो सिंपली आपको माई चैनल पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप अपने माई चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक कस्टमाइज चैनल एंड क्रिएटिव स्टूडियो। तो आपको इसके लिए आपको अपने कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कस्टमाइज चैनल पर। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप अपने चैनल के होम पेज पर पहुँच जाओगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, एंड इसके बाद मुझको यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट चैनल, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हमको भी प्लेलिस्ट बनाना है, तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट पहले से बनाया हुआ है, और मैं अभी आपको एक और प्लेलिस्ट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए ये आपको ये न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टाइटल मांगेगा प्लेलिस्ट का, क्या आप टाइटल रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ यूट्यूब रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब रख देता हूँ टाइटल प्लेलिस्ट का, एंड यहाँ पे आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपकी ये प्लेलिस्ट बन चुकी होगी, ये थोड़ा सा लोडिंग में लेने में टाइम लेती है। देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। अब प्लेलिस्ट बनने के बाद इसमें क्योंकि ये खाली प्लेलिस्ट है, अभी इसमें कोई भी वीडियो ऐड नहीं है अभी, तो ये आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। अभी आपको आपको ऐड पर क्लिक करना है, ये जो पेंसिल का आइकन आ रहा है आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सीन ओपन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, एक शेयर का ऑप्शन मिलता है, एंड प्लेलिस्ट सेटिंग जो भी आप करना चाहते हो, एंड यहाँ पे 3 डॉट मिलते हैं, यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट प्लेलिस्ट, तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट को डिलीट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अगर वीडियो एडिट करना है अपने प्लेलिस्ट में, कौन सा वीडियो रखना है आपको अपने प्लेलिस्ट में, तो आपको यहाँ पे ऐड वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने ऐड वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं देखने को, देखिए URL, अगर आप अपनी वीडियो का कोई URL यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो तो वो भी करके आप यहाँ पे अपनी वीडियो को प्लेलिस्ट में ला सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन एक दूसरा ऑप्शन मिलता है योर यूट्यूब वीडियो का, तो आपको योर यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितने भी यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो होंगी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से किसी जिस भी वीडियो पर सिलेक्ट करोगे तो सारी वीडियो पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप जितनी वीडियो डालना चाहते हो मैं प्लेलिस्ट में। तो एग्जांपल के लिए मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, तो देखिए मैंने ये वाली वीडियो ले लिया, तो यहाँ पर मैं ये वाली वीडियो डाल देता हूँ अपने प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ऐड वीडियो का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप ऐड वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपका ये वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पहुँच जाएगा। तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए मेरे प्लेलिस्ट में ये वीडियो आ चुका है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है
प्ले ऑल शेयर प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो पहुंच चुका है। अगर यहाँ से आप और भी वीडियो डालना चाहते हो तो डाल सकते हो ऐड वीडियो पे क्लिक करके, ठीक है। तो ऐसे आप काफ़ी सारी अपने यूट्यूब वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बना सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी हर एक वीडियो ऐसी रोज़ एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।